निकी राव में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी सही जानकारी। चलो तो फिर देखते हैं। यहाँ आपको एंड्रॉइड से लेकर आईफोन तक और बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार की आने वाली खबर मिलती है। टाटा मोटर्स अपने मौजूदा मॉडल नेक्सॉन ईवी के फेसलिफ्ट मॉडल के साथ अपने ईवी पोर्टफोलियो को अपग्रेड करने जा रही है। नेक्सॉन ईवी के फेसलिफ्ट मॉडल को बड़े बैटरी पैक के साथ पेश कर सकता है। मौजूदा नेक्सॉन में 30 kWh की बैटरी देखने को मिलती है, जो फेसलिफ्ट नेक्सॉन ईवी में 40 kWh की हो सकती है। इससे टाटा नेक्सॉन ईवी की रेंज भी बढ़ जाएगी। मौजूदा नेक्सॉन ईवी की बैटरी कैपेसिटी 30.2 kWh है। यह फुल चार्ज होकर 312 km की ड्राइवर रेंज तक दे सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी का दावा है कि मात्र 1 घंटे में इस कार की 80% चार्ज हो सकती है। इसके अलावा कार की स्पीड, जो कि वर्तमान में 120 प्रति घंटा है, नेक्सॉन ईवी अभी 5 वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध है, जो कि XM, XZ Plus, XZ Plus Lux, XZ Plus Dark और XZ Plus Lux Dark हैं। नेक्सॉन ईवी प्राइस की बात करें तो ईवी के मौजूदा मॉडल की शुरुआत एक्स शोरूम कीमत 14.24 लाख रुपए से होती है और 16.85 लाख रुपए तक जाती है। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए काफी आगे तक की प्लानिंग की हुई है। हाल ही में कंपनी ने इस बारे में घोषणा की थी, 2026 तक देश में 10 नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर सकती है। 2022 से 2023 तक कंपनी कई नए इलेक्ट्रिक वाहन भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है, जिनमें से अगली कार टाटा अल्ट्रोज का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकती है। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी साल 2022 में नए अवतार में आएगी। नेक्सॉन ईवी का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होने के बाद एमजी मोटर की ZSEV और ह्यूंडई की कोना को टक्कर देगा। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी कार के बारे में क्या राय है, कमेंट करें। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके मोबाइल पर मिल जाए हर वीडियो का नोटिफिकेशन। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचते रहेंगे। आने वाले बाइक या कार के विवरण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। I could be the best thing in your life.